अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें। आज हम आपको डिवाइडेड स्कर्ट बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है, ये 1.5 मीटर कपड़ा है। पहले आप साइज ले लें, कमर और लंबाई नाप लें। हमने कमर 24 इंच और लंबाई 14 इंच ली है। कपड़े को हमने इस कोने से 4 फोल्ड में किया है, 1, 2, 3, 4। पहले हम कमर की चौड़ाई लेंगे। कमर की चौड़ाई हम यहाँ ऊपर से लेंगे, जहाँ ये कोना है। कमर की चौड़ाई हमने ली है 24 इंच। लूज रखने के लिए और सिलाई के लिए हम 24 में 4 इंच प्लस करेंगे, जो हुआ 28 इंच। अब 28 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो हुआ 7 इंच। 7 इंच हम कपड़े की चौड़ाई लेंगे। जहाँ से ये 7 इंच होता है, वहाँ से हम कपड़े की चौड़ाई लेंगे। अब हम यहाँ से नीचे की साइड लंबाई लेंगे। लंबाई हमने ली है 14 इंच। 14 इंच में हम 1.5 इंच की बेल्ट डालेंगे, तो टेप को हम यहाँ से 1.5 ऊपर रखेंगे, इस तरह से यहाँ कोने से लेंगे और यहाँ से 14 इंच लंबाई लेंगे। 2 इंच फोल्ड करने और सिलाई के लिए प्लस करेंगे, जो हुआ 16 इंच। यानी 16 इंच हम कपड़े की लंबाई लेंगे। यहाँ से भी 1.5 ऊपर करके 16 इंच नापेंगे। ये खुले की साइड से हम आसन मार्क करेंगे। आसन के लिए हम कमर को 3 से डिवाइड करेंगे। कमर हमने ली है 24 इंच। 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, जो हुआ 8 इंच। सिलाई के लिए हम 8 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे, जो हुआ 9 इंच। 9 इंच हम आसन की लंबाई लेंगे। बेल्ट के लिए हम टेप को 1.5 इंच ऊपर रखेंगे और यहाँ से 9 इंच आसन लेंगे। यहाँ ऊपर से 1 इंच लेंगे और नीचे से 1.5 इंच लेंगे। अब यहाँ से गोलाई देंगे और अब इसको कट करेंगे। पहले ये कट करेंगे, उसके बाद ये कट करेंगे, उसके बाद में ये कट करेंगे। अब हम बेल्ट कट करेंगे। ये इलास्टिक है। इलास्टिक की लंबाई हम कमर से 2 इंच कम लेंगे। कमर हमने 24 इंच ली है, तो इलास्टिक की लंबाई हम 22 इंच लेंगे। सिलाई के लिए 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे। अब हम इलास्टिक के लिए कपड़ा कट करेंगे। ये इलास्टिक के लिए यानी बेल्ट के लिए कपड़े को हमने 2 फोल्ड में किया है। ये कपड़े की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है, इसको मार्क कर लेंगे और इसकी लंबाई हम स्कर्ट के बराबर लेंगे। जो हमने स्कर्ट में ये कमर का जो साइज लिया है, उसी के बराबर हम इसको इस तरह से नाप के कट करेंगे। अब हम यहाँ से इसको डबल कर लेंगे।
यहाँ से इस कपड़े को कट करेंगे। अब हम आपको सिल के बताएंगे। पहले हम ये एक साइड का आसन सिलाई करेंगे। इस पे डबल सिलाई करेंगे। एक साइड का आसन सिलने के बाद हम इसमें ये बेल्ट जोड़ेंगे। बेल्ट को हमने उल्टी साइड रखा है और इसको सीधी साइड में फोल्ड करेंगे। बड़े हुए बेल्ट के कपड़े को कट करेंगे। यहाँ बेल्ट से हम ये आसन तक सिलाई करेंगे। इस पे डबल सिलाई कर लेंगे। अब हम बेल्ट के ऊपर से ये किनारे से इतना कपड़ा फोल्ड करके सिलाई करेंगे। अब हम इस बेल्ट को फोल्ड करेंगे और ये सिलाई के ऊपर इस तरह से रख के सिलाई करेंगे। ये जो हमारी सिलाई है ये दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए इसको इस तरह से रखेंगे और ये कपड़ा ऊपर की साइड होना चाहिए। ये हमने इतना भाग खुला छोड़ा है, इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे, ये सेफ्टी पिन इसमें लगा लेंगे और यहां से ये इलास्टिक हमने डाल लिए है। अब हम इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। ये इलास्टिक डालने के बाद हम ऊपर वाली पट्टी को इसके ऊपर इस तरह रखेंगे कि ये हमारी इलास्टिक जो है ये सिलाई ना हो, इसके ऊपर सिलाई आ जाए। इस तरह से इलास्टिक को अंदर रखेंगे। ये आसन सिलाई करने के बाद और ये इलास्टिक सिलने के बाद हम ये सिलाई करेंगे। ये हमारे आसन के नीचे का भाग है। अब हम ये लास्ट में नीचे का भाग सिलाई करेंगे। इसको इस तरह फोल्ड करके सिलेंगे। इसी तरह हम ये दूसरे साइड भी सिलाई कर लेंगे। ये हमारी डिवाइडेड स्कर्ट बनके तैयार हो गई है। अगर आप इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।